भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का मच अवेटेड सैड सॉन्ग मोहब्बत बेचा था, जी हाँ, जो हम भोजपुरी पर रिलीज़ होने वाला है और जिसका ट्रीज़र पवन सिंह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट सभी पर रिलीज़ किया है। इसे लेकर पवन सिंह के फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको हम बता दें कि हम भोजपुरी पे बहुत ही जल्दी पवन सिंह का एक बहुत ही लंबे समय बाद एक सैड सॉन्ग आ रहा है और इस सैड सॉन्ग को लेकर पवन सिंह भी बहुत एक्साइटेड हैं। पवन सिंह ने इससे पहले इसकी अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने कहा था कि बहुत ही लंबे समय से फैंस डिमांड कर रहे थे कि कोई सैड सॉन्ग नहीं आ रहा है आपका, मैं जहां भी स्टेज शो या फिर शूटिंग के लिए जाता वहां सभी मुझसे हमेशा एक सैड सॉन्ग की डिमांड ज़रूर करते, इसलिए फैंस के लिए ही सही, लेकिन मैंने ये सोचा क्यों नहीं उन्हें ऐसा गिफ्ट दिया जाए। और फिर मेरी क्रिएटिव टीम से बात की गई और उसके बाद सभी रेडी हो गए और इस गाने का हमने सोचा, उसके बाद इसकी शूटिंग कंप्लीट की और फिर अब जल्द ही ये हम भोजपुरी से आप सभी के बीच आने वाला है। वैसे आपको बता दें कि हम भोजपुरी से जो ये गाना रिलीज़ हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि पहली बार अंतरा सिंह प्रियंका के साथ पवन सिंह गाते नज़र आएंगे, क्योंकि जब ये ट्रीज़र ख़त्म होता है तब अंतरा सिंह प्रियंका की आवाज़ में एक लाइन सुनाई देती है कि पूरा इंडिया हिले बाबू देखत तजा। ये लाइन अंतरा सिंह प्रियंका और खेसारी के गाने की है, जिसे पवन सिंह के गाने का जो सैड सॉन्ग है उसके प्रमोशन में यूज़ किया गया है। वैसे हम भोजपुरी पर सबसे ज़्यादा खेसारी के सॉन्ग आते हैं और अब पवन सिंह के सॉन्ग आ रहे हैं। वैसे हम भोजपुरी पर पवन सिंह के इस सॉन्ग का सभी को इंतज़ार है, इसके ट्रीज़र को भी बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। मोहब्बत बेचा था इस गाने का जो बोल ही है, ये इसकी सबसे बड़ी USP है। आप कितने एक्साइटेड हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।